सुरक्षा की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के पास पहुंचे प्रेमी युगल लड़की के परिजनों से मिल रही है धमकी। एक महीने पहले की थी शादी। बजनगंज निवासी मायरार मलिक ने एक महीने पहले अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी की थी, लेकिन लड़की के परिजन इस शादी से नाखुश हैं, इसलिए वो दोनों को अलग होने के लिए कह रहे हैं। लड़की का कहना है कि लड़की के परिजन उसे मरवाने पिटवाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन दोनों को साथ में रहना है, इसलिए आज वो दोनों पुलिस कप्तान के पास सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे। सर, ये धमकी मिल रही है कि इनसे मैंने ये किया कल रात को, तो इनकी मम्मी जी ने मेरे को धमकी दी, इनके मौसी जी ने मेरे को धमकी दी, बोले अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको जान से मरवा देंगे, हम आपको जेल भिजवा देंगे, हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। कल रात को इनकी मम्मी के फ़ोन आए थे, कॉल भी आपको चेक करवा सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए। तो हमारी एसपी दोनों के साथ ही रह रहे हो क्या? जी कल से हम साथ हैं। शादी पहले कर लिया? जी महीने भर पहले हमने शादी कर ली, तो मैंने बोला आप रुको। कहाँ से शादी कर ली थी आपने? अजमेर से। अजमेर कहाँ से? अपने सेशन कोर्ट से। जी आपका नाम? मलिक हुसैन। मैं अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली मुझ पर अत्याचार कर रही है, एक महीने से हमको धमकी दे रही है, मेरे को बोल रही है उनको तेज दूसरी शादी कराऊंगी। मैंने बोला मैं अपने परिवार में खुश हूँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करना, फिर भी धमकी दे रही है। कल तो मारा हाथ उठाया, कपड़े लत्ते फेंके, घर से बाहर निकाल दिया। कल फिर मैं जाके फिर मैं इनके पास आई, फिर मैं इस वजह से इसी कारण से मैं यहीं पर आई, यहाँ पर आई हूँ। शादी कर ली आपने? शादी कर ली। कब करी थी? 12 मार्च। लव मैरिज करी? लव मैरिज। हमको मिले हुए 1.5 साल हो गए। आपने अपनी मर्जी से? अपने अपनी मर्जी से शादी की है। आप वाले की? हाँ वाले। आपका नाम बताओ? मेरा नाम मायरा। कहाँ के रहने वाले हो? अजमेर के रहने वाले हैं। अजमेर से? अजमेर, ये भजनगंज। कहाँ